ए गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और नया स्टेटस एडिटिंग वीडियो को लेकर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो आपने जैसा वीडियो देखा कितना ज़्यादा अमेजिंग वीडियो लग रही थी। सो अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे पता चल गया कि आप लोग जो है एलाइट मोशन में वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो। मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो कि एलाइट मोशन पे वीडियो देखना पसंद करते हैं। मतलब मैंने कल वीडियो डाला था उस पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, तो इसलिए मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि इस चैनल पे सिर्फ काइन मास्टर पे ही वीडियो आएगी जैसा आप चाहते हो। ओके एलाइट मोशन पे कभी कभी हो सकता है शाम के टाइम डाल दूँ, लेकिन ज़्यादा काइन मास्टर पे ही आएगा। लेकिन जिसको एलाइट मोशन पे वीडियो एडिटिंग देखना है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं उस पर डालूंगा। ओके सो जिसको अगर एलाइट मोशन देखना अच्छा लगता है, एलाइट मोशन से एडिटिंग करना आता है, तो वो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एटी एडिटर्स नाम है, जिससे मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके तो वो चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं एलाइट मोशन पर वीडियो ज़्यादा डालूंगा। ओके सो अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो सबसे पहले आप ये काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। और गैस मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये यूट्यूब पे अलाउ नहीं है, मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट लिंक सेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये मोड एपी के है और मोड एपी के का मतलब लिंक मैं यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं दे सकता। ओके सो ये यूट्यूब अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो। अब गाइस आपको काइन मास्टर में आने के बाद आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना और सेकंड नंबर का साइज सिलेक्ट कर देना है और नीचे जाने के बाद फिर कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके तो गाइस आपको यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और फिर से यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है। तो आपको फोटो सेलेक्ट करना है 16 इमेज को। ओके तो मैं यहाँ से फोटो को मतलब अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आपको इस प्रकार से यहाँ पे 16 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैंने दो फोटो को एक जगह सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे 16 फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके तो मैं पे दो फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस इतना करने के बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है और क्लिक करना है मीडिया पे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सॉन्ग वीडियो का, इसको आपको डाउनलोड करके एड कर लेना है। और इसको एड करने के बाद यहाँ पे एड करना है और इसका सबसे पहले स्टैक ऑडियो निकालना है और इसको ब्लेंडिंग में जाकर इसका जो है स्क्रीन कर देना है, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। ओके अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है 1 2 3। तो जहाँ पे हमें 1 2 3 आने के बाद जो थोड़ा सा ब्लैक 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 सा स्क्रीन हो जाता है, वहीं पे आपको इसमें जो लिरिक्स में कट लगा देना है, कैची आइकन पे क्लिक करना है और जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। सो इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको डन कर देना है। डन करने के बाद अब गाइस क्या करना है, इधर का जो लिरिक्स बचेगा इसको आपको नीचे साइड ला के सही से इधर एडजस्ट करके रख देना है। ओके सो इस प्रकार से लिरिक्स को नीचे साइड कर देना है। अब इतना करने के बाद अब गाइस क्या करना है, यहाँ पर जो आपको एक बीट दिखाई दे रहा है 2. यहाँ पे देखो आप लोग 2.626 सेकेंड पे आपको अपनी इमेज को यहाँ पे पहला जो ये बैकग्राउंड को ट्रिम कर देना है। तो हमारा पहला इमेज यहाँ पे आ जाएगा, उसका जो दूसरा इमेज आएगा वो आएगा 3.430 सेकेंड पे, आपको यहाँ पे ट्रिम कर देना है जो बीट आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइस वहाँ पे ट्रिम करने के बाद फिर आपको यहाँ पे छोड़ देना है, यहाँ पे बीट तो है लेकिन यहाँ पे हमें छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको आगे जाना है, यहाँ पे 4.240 सेकेंड पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम कर देना है, 50 सेकेंड पे भी चलेगा। उसके बाद आगे जो एक बीट है उस पर आपको ट्रिम कर देना है जो कि 4 सेकेंड 650 सेकेंड पे। ओके सो उसके बाद इधर करने के बाद अब गाइस क्या करना है, तो गाइस जैसे आप यहाँ पे ट्रिम कर लोगे 4.600 सेकंड पे, उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में स्किप कर देना है और जहाँ 5.870 सेकंड पे आपको यहाँ पे एक इमेज को ट्रिम करना है। ओके सो आपको ट्रिम इस प्रकार से करना है। फिर आपको आगे जाना है, आगे बीट दिखाई दे रहा है 6.680 सेकेंड पर आपको ट्रिम करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेकेंड नंबर वाला, तो इस साइड से ट्रिम हो जाएगा। ओके सो आपको यहाँ पर ट्रिम कर देना है। अब यहाँ पर ट्रिम करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ट्रिम कर देना है जो कि 7.477 सेकेंड पर, फिर आपको आगे 7.900 सेकेंड पे और फिर आपको आगे यहाँ पे आना है 9.100 सेकेंड पे। सो आपको इसी प्रकार से ट्रिम करते जाना है। सो गाइस यहाँ पे ट्रिम करने के बाद फिर आपको आगे जाना है, यहाँ पे जो है 9.900 सेकेंड पे यहाँ पे आपको ट्रिम करना है एक इमेज को। फिर आपको आगे जाना, जो आपको बराबर बीट दिखाई देना है इसी पर आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है और जो छोटा छोटा बीट है उसमें आपको नहीं करना है। ओके सो आपको इसी प्रकार से ट्रिम करते जाना है। ये देखो इधर बीट है एक बराबर, तो यहाँ पर ट्रिम कर लेता हूँ और यहाँ पर एक बराबर बीट है, यहाँ पर मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो आपको बीट सॉन्ग में दिखाई देता है ऊपर से, आप देख सकते हो, और आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और अपनी सभी इमेज को यहाँ पे ट्रिम कर लेना। तो आप देखना आपका फोटो एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो मेरा फोटो घट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मैं ऐड कर भी सकता हूँ, नहीं करूँगा कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इतना करने के बाद आपको इसमें क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है। तो कौन सा क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कॉल मी डी, दूसरा है बॉम्स अवाई, तीसरा है 16। तो ये तीनों को आप क्लिप ग्राफिक्स को आप बीट सिंस ऐप से ही इंस्टॉल कर सकते हो। ओके और आपको बीट सिंस ऐप से कोई भी एफ आई डाउनलोड करना नहीं आता, क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना नहीं आता है,
तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ओके। तो आप वाला वीडियो को देख लेना, फिर आप सीख जाओगे कि कैसे बीटसिंस ऐप से क्लिप ग्राफिक्स को डाउनलोड किया जाता है, ओके। सो अब आपको एड किस प्रकार से करना है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले शुरू का जो तीन इमेज है इसमें आपको कॉल मी डीए से टू नंबर वाला सेलेक्ट करना है, ओके। ब्लैक बैकग्राउंड को छोड़ के जो तीन इमेज है इधर शुरू से, तो हमें इसमें कॉल मी डीए से टू नंबर वाला इस क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पे एड करना है, ओके। सो यहाँ पे इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉल मी डीए से टू नंबर वाला। उसके जो आगे इमेज है इसमें आपको बॉम्ब सवाई से थ्री नंबर वाला सेलेक्ट करना है, ओके। जो चौथा इमेज है उसके बाद जो आगे इमेज है इसमें आपको फिर से कॉल मी डीए से टू नंबर वाला सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आगे जाना है और इसमें आपको सेलेक्ट करना है 16 से आप सेलेक्ट कर सकते हो जैसे कि टू नंबर वाला, ओके। तो ये टू नंबर वाला आप सेलेक्ट कर लेना 16 से। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे 16 से सेलेक्ट कर लोगे, फिर आपको कॉल मी डीए एक सेलेक्ट करना है टू नंबर वाला अगला इमेज में। फिर जो अगला इमेज रहेगा इसमें आपको फिर से बॉम्ब सवाई से तीन नंबर वाला सेलेक्ट करना है, ओके, तीन नंबर वाला, ओके। तो गाइस फिर जो अगला इमेज है इसमें आपको कॉल मी डीए सेलेक्ट करना है टू नंबर वाला, जो कि 9 सेकंड पे जो इमेज है। उसका जो इमेज है जो कि 9.900 सेकंड में मतलब 10 सेकंड पे जो है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है 16 से। आप इधर नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि 8 नंबर वाला या 7 नंबर वाला सेलेक्ट कर सकते हो। 7 नंबर वाला मत करना, 8 नंबर वाला 9 नंबर वाला कर लेना, सही रहेगा, ओके। फिर आपको आगे फिर से आपको कॉल मी डीए सेलेक्ट कर लेना है टू नंबर वाला, ओके। जो अगला इमेज है जो कि 10.7 सेकंड से शुरू हो रहा है, ओके। फिर आपको जो 11.1 सेकंड से शुरू हो रहा है उसमें आपको फिर से बॉम्ब सवाई से तीन नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है। अब इतना करने के बाद इधर जो लास्ट इमेज 4 इमेज आपका बचेगा, तो मेरा एक इमेज घट गया था, मैंने पहले बोल दिया है, तो इसमें चारों में आपको कॉल मी डीए से टू नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पे एड कर लेना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा मैं स्पीड बोलता हूँ बट आप समझा करो यार, मतलब एक आदत सी बन गई है। सो अब गाइस फिर आपको यहाँ पे आना है शुरू में, जहाँ पे आपका फोटो आ रहा है लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और ये लिरिक्स वीडियो, सॉरी गाइस, ये इफेक्ट वीडियो को एड करना है। इसका साइज इस प्रकार से बढ़ा देना है। इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है, इसका ऑडियो म्यूट कर देना है क्योंकि इसमें सॉन्ग लगा हुआ है। सो इतना करने के बाद हमारा फाइनली हमारा जो वीडियो वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बना, ये आप लोग देख सकते हो। सच में गाइस वीडियो जो बहुत ही काफी मतलब ओपी लग रहा है गाइस। सो गाइस फिर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।